न्यूज वॉइस जो हर खबर से आपको कराए रूबरू। बदलाव का संकल्प, बहन श्रुति चौधरी और अभिमन्यु राव ही विकल्प। मेरा अभिमन्यु मेरा स्वाभिमान, नांगल चौधरी विधानसभा क्षेत्र। महाराजा अग्रसेन जयंती आज रेवाड़ी में धूमधाम से मनाई गई। समारोह का आगाज शहर के महाराजा अग्रसेन चौक पर शोभा यात्रा के साथ हुआ। इस शोभा यात्रा को बीजेपी व्यवसायिक प्रकोष्ठ के प्रदेश सह संयोजक दीपक मंगला ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसके उपरांत यह शोभा यात्रा शहर के प्रमुख बाजारों से होती हुई महाराजा अग्रसेन चौक पर स्थित स्कूल पर संपन्न हुई। कार्यक्रम में अग्र बंधुओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया तथा समाज में एकता का संदेश दिया। शोभा यात्रा में अनेक मनोहारी झांकियां आकर्षण का केंद्र रही, जिसमें नन्हे मुन्ने बच्चों ने विभिन्न किरदार निभाए। इस मौके पर दीपक मंगला ने कहा कि सामाजिक एकता व अखंडता का परिचय देते हुए समाज के लोगों ने अपने प्रतिष्ठान बंद रख इस कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति दर्ज कराकर सराहनीय कार्य किया है। इस समारोह के अंतर्गत 13 अक्टूबर को बाल भवन में विराट कवि सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम में समाज सेवी अजय गर्ग मुख्य अतिथि होंगे, वहीं लाला सुभाष सिंगल विशिष्ट अतिथि के तौर पर उपस्थित होंगे, जबकि मुरारी लाल कसेरा मेटल मर्चेंट वाले पूर्व प्रधान इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। इसके अलावा 14 अक्टूबर को समाज की ओर से सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं प्रतिभा सम्मान समारोह का भी आयोजन किया जाएगा। उन्होंने समाज के बंधुओं से इन कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की है। रेवाड़ी से न्यूज वॉइस के लिए संजय कौशिक के साथ अजय सागर अत्री की रिपोर्ट। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी महाराजा अग्रसेन जी की जयंती का जो पर्व है वो हम बहुत धूमधाम से मना रहे हैं। तो हमारी ये जयंती है, यहाँ से अग्रसेन चौक से चलकर सब्जी मंडी, चिंगली बाजार, होटल गेट होते हुए अग्रसेन स्कूल तक जाएगी आयोजन। इसके बाद हमारा सांस्कृतिक प्रोग्राम भी है जो हर वर्ष की भांति हमारा कवि सम्मेलन, बाहर से बहुत उत्तम कवि बुलाए हुए हैं, कवि सम्मेलन हमारा होगा बाल भवन में। सबसे आग्रह भी है वो देखने पहुंचे। समाज के लोग हर वर्ष की भांति, अगर समाज में एक ये खूबी है कि हर वर्ष संख्या बढ़ती है इसकी ओर, और हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी आप देख रहे हैं। और हमने अग्रसेन जयंती निकाल दी है, एक कम बड़े दिन अग्रसेन जयंती निकलती है हमारे, और सारा समाज ने अपनी दुकानें बंद रखी है और सब जने शामिल चले। दुकान बंद करने का हमारे तात्पर्य यही है कि जिससे हमारा सब साथ दे और सब हमारे एकता का प्रतीक है। सबको हमने सब जगह 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 स्टॉल लगा के खाना नाश्ता चाय पानी लोगों के उत्साह बढ़ाने के लिए, और ये हमारी महाराजा अग्रसेन चौक से चालू हो गई और महाराजा अग्रसेन स्कूल पे जाकर खत्म हुई। झांकी हमारे समाज की झांकी है, अब महाराजा अग्रसेन की मूर्ति गई पीछे पीछे और सब 8-10 हमने रथ यात्रा निकाली साथ में। तो हमारा एक कवि सम्मेलन है बाल भवन में, 14 तारीख को कल्चरल प्रोग्राम है, जो हमारे बच्चे फर्स्ट आर जो अच्छे नंबर लेके पास है उनको सम्मानित करेंगे हम सारे बच्चों। सब शहरों की धीरे जाए और शहरों में भी अग्रसेन जयंती बड़े धूमधाम से मनाई जाएगी, उसी प्रकार हम भी हर साल मनाते रहे और इस साल भी बहुत परीक्षा लोगों ने एकता का परिचय दिया। हमारे सारा समाज एकजुट होकर अपने व्यवसाय और सारे दुकान बंद करके सब रथ में शामिल हो गए, जिससे हमारा समाज हाँ नजर आता है बिल्कुल एकता के अंदर।